बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फहमीनाज किचन। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुश आमदीद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। आज की हमारी रेसिपी है एक क्रीमी करी है, और ये बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन 4 अंडे, ये मैंने इनको बॉईल कर लिए, हार्ड बॉईल एग्स हैं, और तकरीबन 2 टेबलस्पून हरी मिर्च है, इसको मैंने क्रश कर लिए, ये 4 से 5 हरी मिर्चें थी छोटे साइज की। तकरीबन 1 प्याज है, उसको मैंने चॉप कर लिए, हाफ कप यानी 3 से 4 टेबलस्पून है क्रीम, और 1 टेबलस्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून सूखा गरम मसाला, और 1 टीस्पून मैंने लिया है सूखे धनिया का पाउडर, और तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। बिस्मिल्लाह, अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप कुकिंग ऑयल का कम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 प्याज जिनको मैं चॉप कर लिए, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून ट्रांसपेरेंट हो गया हमारा प्याज, और जो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला था वो भी तकरीबन अच्छी तरह से भुन गया। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च, अब इसको ज़रा हम 1 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालूंगी, ये पानी जो है मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट है उसमें थोड़ा सा पानी डाला था, तो ये वो वाला पानी है, आप सिंपल पानी भी डाल सकते हैं। हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए इस तरह से भूनूंगी, ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। जो मैं इसकी फ्लेम है वो मैं बिल्कुल स्लो कर दूंगी, इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। 2 मिनट हो गए हैं, अब इसको चेक करते हैं। देखिए जो मैंने इसमें पानी डाला था वो बिल्कुल खुश्क हो गया। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, गरम मसाला, सूखा धनिया का पाउडर, काली मिर्च और नमक। बिस्मिल्लाह, अब इसको 1 सेकंड के लिए भूनेंगे इस तरह से। अब मैं इसमें डाल दूंगी क्रीम, फ्लेम जो है वो फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है, और उसको अच्छी से मिक्स करते जाना है। अब मैं इसमें तकरीबन 1/2 कप जो है वो मिल्क ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मिल्क यूज़ कर रही हूँ। और अब हम इसमें डाल देंगे हमारे बॉयल किए हुए जो अंडे थे, फ्लेम में थोड़ी सी तेज़ कर दूँगी इसकी। और अब मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम पे रख दूंगी। हमारी एग क्रीमी कड़ी बनके रेडी हो गई है बिल्कुल, बस थोड़ा सा इसको भुनेंगे। अब
अब देखिए कितना झटपट सा ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत आसानी पहुँच सके। अब मैं इसको दम पे रखूँगी और मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो कर रही हूँ। 2 मिनट हो गए हैं, अब देखते हैं। माशाल्लाह देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी और मैं इसकी फ्लेम ज़रा तेज़ कर दूंगी और इसको अब बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँ। तो हमारी रेसिपी जो है एग क्रीमी करी रेडी होगी है बन के। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।